भाई अगर मैं अपने देश के सबसे बड़े दानवीरों में से एक का नाम बताऊं ना, तो वो है हमारे रतन टाटा सर जी। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था और ये हमारे देश के काफ़ी जाने माने बहुत ज़्यादा प्रचलित उद्योगपति है। और कल यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को इनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो ये काफ़ी सुनकर हमें बहुत ज़्यादा दुख लगा इस चीज़ को देखकर। और भाई ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने 90% जो इनकी कमाई है, 90% कमाई को डोनेट कर दिया करते थे, मतलब दान कर देते हैं ये अपनी कमाई को। और दानवीर इनको इसलिए कहते हैं, इनका एक होटल है भाई मुंबई में ही, ताज होटल, आप देख सकते हो कितना बड़ा होटल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत ज़्यादा फेमस है वो होटल, जहाँ पर विदेश से लोग आते हैं। उस होटल में स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, जो देसी कुत्ते मतलब जो सड़क पर रोड वगैरह पर घूमते रहते हैं, उनके लिए भी एंट्री है। मतलब अगर वो अंदर घुस रहे हैं तो कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी वाला, मतलब कोई भी अंदर का जो स्टाफ है उनको रोकेगा नहीं, उनके लिए अंदर पूरी सुविधा है, खाने की भी, सब चीज़ की, पानी की भी। तो ये भाई इतना बड़ा दिल इतने बड़े आदमी का हो सकता है? तो हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ दान नहीं करते, अपनी कमाई को अपनी जेब में रख लेते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो दिल खोलकर देश के लिए कुछ करते हैं, उनमें से एक है हमारे रतन टाटा सर जी। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख लगा, ओम शांति है, भगवान इनके आत्मा को शांति दे। ये दुख की बात है कि इतना बड़ा लेजेंडरी पर्सन, एक लेजेंडरी, मान लो भाई हम मानते हैं कि यार वो लेजेंड है, ये लेजेंड है, हम बस बेमतलब के आदमी को ये पद दे देते हैं, लेकिन जो असलियत में लेजेंड होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि रतन टाटा सर है। तो भाई ये दुख लगा हमें सुनकर, और मैंने सोचा आपको बता भी दूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बस यही बात थी भाई, और काफ़ी दुख की बात है देश के लिए, तो पूरे देश के लिए तो दुख की बात है। तो बस ये बात थी जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति।